Hi guys, welcome to the second video of this project series that we are having. So in this video we'll be discussing this, I don't know, this is an interesting project, quicker car price prediction. So I don't know, आपने because you are students, आपने कभी car sell नहीं किया होगा quicker पे, but you should understand कि अगर आप गाड़ी बेच रहे हो तो आपको क्या प्राइस सेट करना है, ये थोड़ा सा डाउटफुल हो सकता है, राइट? सो ये जो प्रोजेक्ट हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके स्क्रीन पर है, इट्स बेसिकली अ कार प्राइस प्रिडिक्टर. ओके, सो इफ़ यू हैव अ व्हीकल, इफ़ यू हैव अ कार, और अगर आप उसको क्विकर जैसे प्लेटफॉर्म पे बेचना चाह रहे हो, तो क्या प्राइस आपको रखना चाहिए, ये इंटेलिजेंस आपको ये वेबसाइट प्रोवाइड करेगा. ओके, सो मैं क्या करता हूँ, पहले मैं आपको एक बार दिखाता हूँ ये कैसे काम कर रहा है, और उसके बाद विल डिस्कस अबाउट द प्रोजेक्ट. ओके, सो दिस इज़ अ सिंपल फॉर्म. जैसे आप इस वेबसाइट पे हिट करोगे, इनफैक्ट दिस इज़ अ लाइव यूआरएल, सो अगर आप चाहो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करो, वहाँ पे आपको यूआरएल मिलेगा, आप खुद भी ये प्रोजेक्ट ट्राई कर सकते हो. ओके, सो इट्स अ लाइव वेबसाइट. सो आई सेलेक्ट अ कार. सो लेट्स से आई एम सेलेक्टिंग अ मारुति. ओके, मारुति. ओके, देन यू हैव टू सेलेक्ट द मॉडल. सो इन द ड्रॉप डाउन यू विल गेट ऑल द मॉडल्स. सो लेट्स से वी सेलेक्ट स्विफ्ट. ओके, एंड देन यू हैव टू टेल द ईयर ऑफ परचेज. सो इन माय केस लेट्स से इट इज़ 2016. ओके, सेलेक्ट द फ्यूल टाइप. यही ऑप्शंस हैं, पेट्रोल, डीजल एंड एलपीजी. आई विल सेलेक्ट पेट्रोल. एंटर द किलोमीटर ड्रिवन. सो लेट्स से मैंने बोला 40,000. ओके, सो दीज आर द वेरियस फैक्टर्स जिस पर डिपेंड करता है कि प्राइस कितना रखना चाहिए. एंड नाउ आई विल प्रेस ऑन द प्रिडिक्ट प्राइस बटन, एंड यू कैन सी यहां पर दिस इज द प्राइस 3,43,000. टू बी ऑनेस्ट, आई एम सेटिस्फाइड विद दिस प्राइस, बिकॉज मैंने अपने ही व्हीकल का यहाँ पे डाला था पूरा डिटेल्स, और इट वॉज समवेयर अराउंड 6-6.5 lakhs. और इस पॉइंट पे अगर उसका प्राइस मुझे सजेस्ट कर रहा है 3.4 के अराउंड, दिस इज काइंड ऑफ गुड, राइट? एक और कुछ और चेक कर लेते हैं. लेट्स से आई हैव अ ह्यूंडे, ह्यूंडे, व्हाट शुड आई से, क्रेटा. लेट्स से क्रेटा. ईयर ऑफ परचेज इज लेट्स से 2015. आई डोंट नो उस टाइम आया था कि नहीं आया था. डीजल एंड 1 lakh किलोमीटर्स, एंड यू कैन सी यहाँ पर इट्स सजेस्टिंग मी अराउंड 8.6 lakhs. सो यू कैन सी कि दिस मॉडल इज एक्चुअली वर्किंग वेरी वेल, राइट? सो नाउ लेट मी टेल यू ये पूरा चीज़ काम कैसे कर रहे हैं. सो यहाँ पर बिहाइंड द सीन्स ऑब्वियसली मशीन लर्निंग यूज़ हो रहा है. इट्स अ मशीन लर्निंग बेस्ड प्रोजेक्ट, और ये सुपरवाइज मशीन लर्निंग का एग्जाम्पल है. ओके, जहाँ पर आप रिग्रेशन परफॉर्म कर रहे हो. सो अगर आपके पास बहुत सारे इनपुट्स हैं, जैसे यहाँ पे कंपनी का नाम, मॉडल का नाम, ईयर ऑफ परचेज, कितना किलोमीटर चला है, अगर आप ये सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हो, तो आपका एंड में प्राइस प्रिडिक्ट हो रहा है, विच इज़ अ रिग्रेशन थिंग. ओके, इट्स अ कंटिन्यूअस वैल्यू. सो पूरा का पूरा फ्लो कैसा है कि सबसे पहले द बेस्ट पार्ट इज दैट इट्स अ कंप्लीट प्रोजेक्ट. सो हमारे पास ये प्रोजेक्ट करने का डेटा भी नहीं था. ओके, सो हमारा एक स्टूडेंट है राज तिलक बोल के, ही मेड दिस प्रोजेक्ट एक्चुअली, एंड वी प्रोवाइडेड दिस डेटा. लाइक ये हमने डेटा स्क्रेप किया है क्विकर की वेबसाइट पे, मतलब इसका डेटा वॉज नॉट अवेलेबल एनी वेयर. ओके, सो हमने इसको खुद से स्क्रेप किया है. हमारे पास कुछ आई डोंट नो 1,000 गाड़ियों का डिटेल है लगभग, और इस स्क्रेप्ड डेटा से दैट स्टूडेंट क्रिएटेड अ रिग्रेशन मॉडल, और उस रिग्रेशन मॉडल को उसने बहुत फाइन ट्यून किया, और जितना मुझे पता है इट्स लाइक 92% एक्यूरेट राइट नाउ. और फिर इसको आपने फाइनली क्या किया, एक वेबसाइट में कन्वर्ट किया बाय मेकिंग APIs एंड ऑल. अगर आपने ये सब कुछ किया होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा, अदरवाइज यू विल हैव टू रिसर्च. एंड फाइनली जब ये वेबसाइट बन गया, इसको हमने फाइनली डिप्लॉय किया है इस वेबसाइट पे, हेरोकू. आई गेस यू नो हेरोकू, दिस वेबसाइट. ओके, सो यहाँ पर आप फ्री अकाउंट क्रिएट कर सकते हो और अपनी वेबसाइट्स को डिप्लॉय कर सकते हो, स्पेशली पाइथन बेस्ड वेबसाइट्स को. सो दिस इज़ द एंटायर प्रोजेक्ट गाइज. सो अगर आपको मैं टेक स्टैक का बात करूँ यहाँ पर, तो हमने एंड टू एंड पाइथन यूज़ किया है. पाइथन में भी जो अपनी मेन लाइब्रेरीज हैं, साइकिट लर्न और पैंडास फॉर एनालिसिस एंड नमपाई फॉर न्यूमेरिकल पाइथन. और इवेंचुअली जब हमने इसको डिप्लॉय किया, तो उसके लिए हमने पिकल को यूज़ किया, और बाकी यू कैन ऑलरेडी सी. डेटा को स्क्रेप करने के लिए हमने ब्यूटिफुल सूप लाइब्रेरी यूज़ किया.
सो द गुड पार्ट अबाउट दिस प्रोजेक्ट इज कि ये मल्टीपल डोमेन्स में आ रहा है, राइट? आप पहले डेटा स्क्रैप कर रहे हो, दैट इज इन टू द डोमेन ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, देन यू आर यू नो डूइंग दिस एंटायर एनालिसिस, सो दैट कम्स अंडर द डोमेन ऑफ डेटा एनालिसिस, फिर आप प्रिडिक्शन कर रहे हो, दैट कम्स अंडर मशीन लर्निंग डेटा साइंस, एंड इवेंचुअली यू आर डिप्लॉइंग दिस प्रोजेक्ट ऑन टू द वेब. तो यहाँ पर क्लाउड कंप्यूटिंग का भी पार्ट आ रहा है, राइट? और ऑब्वियसली आपने इसका वेबसाइट बनाया तो वेब डेवलपमेंट भी. तो इट्स अ मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट, ओके? सो इस तरह का प्रोजेक्ट अगर आपके पोर्टफोलियो में है और यू नो लिंक अगर लाइव है, तो कोई भी रिक्रूटर इस तरह के प्रोजेक्ट्स को देख के इम्प्रेस हो सकता है, ओके? सो यू कैन ट्राई दिस प्रोजेक्ट. ऑब्वियसली आई एम नॉट गोइंग टू शेयर द कोड. इफ़ यू वॉन्ट आई वुड पुट दिस डेटा. मैं तो चाहूँगा कि आप खुद से डेटा स्क्रैप करो, बट मैं ये डेटा डाल दूंगा और मैं इस वेबसाइट का लिंक भी डाल दूंगा. सो गो चेक दैट, जो गो चेक दिस प्रोजेक्ट एंड ट्राई टू बिल्ड इट, ओके? सो थैंक्स फॉर वॉचिंग.